हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई आरना सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो के थ्रू यार सबसे पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा आप सबको कि यार मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए, रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। तो यार पहले मैं मेन रीज़न दे दूँ उसका, वो ये कि मेरा काफ़ी बड़ा पढ़ाई का बैकलॉग बचा हुआ है, उसको मेरे को ओवरकम करना था तो थोड़े देर के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ा। राइट, ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा यार, अगर आपका बैकलॉग बचा हुआ है तो फ्रेंड फैमिली सबसे कट ऑफ होके थोड़ा अंडरग्राउंड जाओ, एक मेजर चंक उस बैकलॉग को रिजॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर कर लो। उसके बाद आप जब अबव ग्राउंड आओगे ना तो मेंटली फ्री फील करोगे थोड़ा कुछ एक्टिविटी अंडरटेक करते वक्त। एंड सेम अप्लाइज टू मी एज वेल। वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ कि कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चंक तो जो था मेरे बैकलॉग का वो मैंने क्लियर कर लिया। राइट, इस वीडियो में मैं आपसे फिलमोन की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। फिलमोन इज़ AIR 50, 705 मार्क्स आउट ऑफ 720 आए हैं। फिलमोन अपनी पूरी स्टोरी तो नहीं शेयर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होनी चाहिए नीट में, क्या कैसे पढ़ाई करना आपको किसी भी टेस्ट पेपर के लिए, कैसे टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कितना समय देना एंड उसके बाद पेपर कैसे एनालाइज करना, ये तीन मेजर डोमेन्स के बारे में फिलमोन आपसे बात कर रहा होगा। इस वीडियो के बाद उसकी वीडियो प्ले होगी। याद रखिएगा यार, फिलमोन का हैंड रिटन नोट्स जो है ना, हैंडमेड नोट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे होते हैं कि भैया मेरे को टॉपर्स के नोट्स चाहिए, आपको टॉपर्स के कॉन्टैक्ट में तो आप प्लीज़ मेरे को प्रोवाइड कर दो। तो देखो, हर्ष अग्रवाल AIR 5 जो है उसके ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का नाम है Imzonian ARS, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 160,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी बेनिफिट रीप कर रहे हैं। आप ज्वाइन कर लो, कोई फेक चैनल मत ज्वाइन करना 10-15 हज़ार वाला, जो छोटे चैनल्स होते हैं, राइट, उसमें कुछ भी चल रहा होता है, ओके। एंड यहाँ पे मैं हर्ष अग्रवाल के तो नोट्स ऐड कर रखा हूँ, अब मैं ये फिलमोन के भी नोट्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार रेगुलरली। वीडियोज तो मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, पर हाँ, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराने में आई मेक श्योर कि मैं रेगुलरली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे क्वेश्चंस की PDF अलॉन्ग विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड लाइव सेशंस आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। स्टडी विथ मी सेशंस भी मैं फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। कल हम लोग ने 11 से 2 बजे साथ में मिलकर पढ़ाई की थी। कल कह लो मतलब ये वीडियो तो आज हो रही है रिकॉर्ड, कल रात को हम लोग ने 11 से 2 पढ़ाई की। एंड ऐसे ही मैं सेशंस और भी कराता रहूँगा ताकि आप ना अपने एफर्ट को स्ट्रीमलाइन रखो एंड नीट 2021 आप फोड़ के आओ। आप ड्रॉपर हो या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, मेरा जो पूरा इंटेंट है ना इस चीज़ पे है कि आप ये जो नीट 2021 का पेपर हो ना उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दो। रिजल्ट बाद में देखेंगे, पर आपका एफर्ट जो है ना यार वो मतलब दिखना चाहिए एंड वो इम्प्रूव होना चाहिए। एफर्ट इम्प्रूव आपका होता रहेगा, आपका इनपुट इम्प्रूव होता रहेगा तो आउटपुट के पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेरेंडिपिटी, लक फैक्टर तो यार एग्जाम हॉल फैक्टर तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, पर अगर आप एफर्ट डालते रहोगे तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप हाँ बेटर रैंक या फिर बेटर स्कोर के साथ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो। राइट, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। फिलमोन के नोट्स एक्सेस करने हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू नोटिफाइड अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़। क्योंकि मैं रेगुलरली कोशिश करूँगा और भी जो टॉपर्स हैं जिनके आपको इंटरव्यू चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो मैं उनके स्पेसिफिक टॉपिक पे इंटरव्यूज अपलोड करता रहूँगा आप सभी के लिए। तो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग एंड प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। थोड़ा इरेगुलर हो जा रहा हूँ, थोड़ा पैची हो जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रैक पर रहने की, आपसे रेगुलरली कॉन्टैक्ट बनाए रखने की। टेलीग्राम पे तो हो जाता है यार, यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए यूट्यूब पे। राइट, सो ऑल द बेस्ट गाइस। यार दिल साफ कर दिया अभी बोल के, अच्छा लग रहा है। राइट, अब वीडियो प्ले होगी फिलमोन की। मेरा नाम फिलमोन क्रेगोस है, मैं क्लास 10 तक हिमाचल शिमला में पढ़ा हूँ और उधर 9th और 10th में मैं कोचिंग के लिए जाता था और 10th में NTSC का एग्ज़ाम दिया और उसका क्वालिफाई हुआ, वो क्वालिफाई हुआ। फिर 11th और 12th केरला आया वापस और इधर मैंने कोचिंग की और स्कूलिंग एक साथ की। और मैं आज के इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका पैटर्न कैसे रहता है अटेम्प्ट करने का। तो पहली बात, आपको एग्ज़ाम से कभी भी डरनी नहीं चाहिए। जो भी एग्ज़ाम्स अवेलेबल है आप वो अटेम्प्ट करें और उसे कभी भी डरना नहीं है। और जब भी आप ज़्यादा एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा। तो मैं कितने भी एग्ज़ाम्स जितने पॉसिबल थे उतना लिखता था मैं और काफ़ी मतलब ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स लिख के बहुत कुछ
मेरे दिमाग में याद हुआ। और अगर आपको एग्जाम्स से डर है तो चिंता ना करें और आगे लिखें और आपका डर दूर हो जाएगा। फिर दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि जो आप एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होने की आप ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादातर पेपर एनसीईआरटी से बनता है। तो आपका जो टेस्ट सीरीज आपने जो एनरोल कर रखा है वो अगर एनसीईआरटी के बहुत बाहर है तो आप एक दूसरा टेस्ट सीरीज में एनरोल करें। और यदि आपको ऐसा मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन पेपर्स मिलना तो आप आर्यनराज सर के टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं और वहाँ पे उपलब्ध फ्री पीडीएफ फ्री क्वेश्चन पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करें। मैं फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं मैंने वो सर के पीडीएफ सर के टेलीग्राम में मैं बीच में भेजूँगा, तो आप वो भी आपको वो मिल सकता है। फिर एक बात जो एग्ज़ाम डे में आप ट्राई करें कि पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करें और कुछ 50 मिनट में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, केमिस्ट्री भी कुछ 50 मिनट में, फिर जो बाकी का टाइम है आप आराम से फिजिक्स कर सकते हैं। और मैं यूजुअली OMR लास्ट में भरता था तो इससे ये फ़ायदा होता था कि हम थोड़ा सा टाइम सेव हो गया। और फिर एक और बात ये होता था कि हमारा जो थोड़ा सा एक गैप मिल गया माइंड को फ्रेशन अप होने के लिए। फिर उसके बाद मैं जो टफ क्वेश्चन थे उसको एक और बार एनालाइज करता था। ये जो एनालिसिस का बात है वो एग्ज़ाम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एग्जाम लिखने के बाद ज़रूर उसे एनालाइज करें और जो मिस्टेक्स आपके हुए हैं वो ज़रा देखें और उसको जहाँ थ्योरी की कमी है वहाँ थ्योरी आप पढ़ें और जहाँ रिवीजन की कमी है वो वहाँ आप ज़रूर रिवीजन करें। और फिर एक बात ध्यान में रखने की बात है कि जो आपके करेक्ट सही हुए हैं क्वेश्चंस उसका भी आप एक बार ध्यान करें कि जो आपके गैस के कारण या फिर गलती से सही हुए वो भी आप एक और बार पढ़ें और जो उसकी रिवीजन करें। तो मेरा कभी भी मतलब ये एनालिसिस का टाइम काफ़ी टाइम लगता था और एग्ज़ाम 3 घंटे के बाद 2-3 घंटे एनालिसिस में भी लग जाते थे, पर वो बहुत यूज़फुल था क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ऐसे एक मन में होनी चाहिए आपको इच्छा, तो वो ज़रूर आप कर पाएंगे। और मैं पढ़ता था कि मतलब जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो एक बात मैं ध्यान रखता था कि कभी भी मैं सोल्यूशन आगे जाके नहीं देखता था। जो भी क्वेश्चन नया हो या फिर मुश्किल हो वो मैं सॉल्व करके ही उसके सोल्यूशन पे जाता था। केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसका मेनली मैं एनसीईआरटी फॉलो करता था और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो एक पूरा इंटीग्रेटेड यूनिट के तरह मैं ट्रीट करता था। उसके जो भी चैप्टर्स है वो काफ़ी लिंक्ड हैं, तो आप अगर एक चैप्टर ढंग से पढ़े तो वो दूसरे चैप्टर के लिए भी उपयोग में आएगा, तो वो आप ज़रूर ध्यान दें। और बायोलॉजी में बार बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े, ये सभी बोलते हैं और मैं भी वही बोलूँगा क्योंकि टेक से ही क्वेश्चन आते हैं और इस बार जैसे हमने देखा कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। और जो आप ज़रूर रेगुलरली रिवाइज करें और जो एनसीईआरटी के लाइव सेशंस आर्यनराज सिंह जी सर डालते हैं वो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के उपयोग इस वीडियो से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस आपके 2 साल आप मज़े से पढ़ें और पढ़ाई को एंजॉय करें, वो आपको एक बर्डन की तरह नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान से हो जाएगा और आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएंगे और आपका रैंक भी काफ़ी अच्छा आएगा। मैं इस वीडियो से मैं अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरे कोचिंग सेंटर के टीचर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं KVPY में भी फेलो बन सका और बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू।